देखो एक चीज और बच्चे सीख लो, रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों ने काफी कुछ सीखा, एक चीज और सीख लो, ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है बोलो बच्चे, कौन से ग्राफ है बोलो भाई, बोल ही नहीं रहा कोई बच्चा, सब ऐसे पोजीशन टाइम, पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ है। ये मान लो एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या समझते इस ग्राफ से, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? सर बॉडी ए और बी चल रहे हैं और मतलब वो एक पॉइंट पे मीट होते हैं और फिर अपने अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं। देखो अच्छे कोई और देखते हैं, ज्ञात बताओ आप क्या समझते हो इस ग्राफ से, अच्छे बोलो भाई। सर ये इनका मीटिंग टाइम है। देखो अच्छे ये ओरिजिन है और जो बी वाली ए वाली व्हीकल है वो ओरिजिन से चालू हो रही है, जबकि बी वाली जो व्हीकल है ए वाली ओरिजिन से चालू हो रही है, बी वाली ओरिजिन से आगे से चालू हो रही है, ऐसे से कुछ, ठीक है। और बट स्पीड किसकी ज्यादा है इसके अंदर, ए की एम बी की, कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है? पर जिसका स्लोप ज्यादा ए होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब इसका ए इसका स्लोप ज्यादा है, का। ए का स्लोप ज्यादा है, एक लाइन खड़ी हुई है ज्यादा स्लोप ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड होगी ए की स्पीड ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि दोनों भाग रहे हैं, बी भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है, बट ए भागते भागते एक टाइम आएगा कि बी पीछे रह जाएगा और ए की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ए उसको ओवरटेक कर जाएगा। ये ग्राफ है, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ओवरटेक कर रहा है, सर ये दोबारा बता दो सर, मुझे कुछ पूछना है सर। अच्छा पीछे आवाज आ रही है, नन्हे क्या पूछना है अच्छी बताओ, एलोरी का क्या समझना है बताओ। हेलो हेलो, सर यही ओवरटेक वाला पॉइंट। ओवरटेक वाला पॉइंट क्या है अच्छी, पहले देखो ये दिखाओ, कौन सी बॉडी ओरिजिन से चालू हो रही है, कौन सी ओरिजिन से आगे से चालू हो रही है, ये बताओ जी, इससे डिसाइड होगा, इस पॉइंट से डिसाइड होगा। सर ये ओरिजिन से हो रहा है और बी ओरिजिन से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, आगे से हो रहा है, ए की स्पीड ज्यादा है, बी की कम है, क्या बताओ, ए बी को ओवरटेक करेगा नहीं करेगा, आमतौर पे बताओ। करेगा सर। करेगा ना, अगर ए अगर बी को ओवरटेक करेगा तो बस बस ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, बताओ अच्छी क्या दिक्कत है। हाँ हो गया, मतलब मुझे ये नेक्स्ट नेक्स्ट ये बताओ इस ग्राफ से क्या समझते हो, चलो अब देखते हैं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग इस ग्राफ से। बनी नहीं जा पोजीशन टाइम ग्राफ, सर मैं बताऊं, ये ए और ये बी, बताओ सर मैं बताऊं, बताओ बताओ। सर बी बहुत कम स्पीड से चल रहा है, ए की स्पीड बहुत ज्यादा है और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, इसलिए वो दोनों मीट नहीं करेंगे। शाबाश बच्चे, बिल्कुल गलत। सर मीट कहाँ करेंगे सर, वो तो है बट डायरेक्शन में अलग अलग कहाँ जा रहे हो, इसे डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन थोड़ी सर। हाँ मतलब सॉरी सर, सर दो वो डायरेक्शन वाला सर, वो मेरे मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया सर। गलती। हाँ सर जो स्टार्टिंग टाइम पे है, जो सपोज आप T1 ले लो स्टार्टिंग टाइम, तब बी रेस्ट पे है और वो थोड़ा ऊपर है ए, बी वो देखो उससे मैं थोड़े बताता आगे। हूँ, मैं बताता हूँ, देखो बी ओरिजिन से चालू हो रहा है और ए जो है वो ओरिजिन से आगे से चालू हो रहा है, ये बी है और ये ए ओरिजिन से आगे से चालू हो रहा है, ऐसे देख रहे हो, बी ओरिजिन से चालू हो रहा है और ए ओरिजिन से आगे से, पहले से ओरिजिन से थोड़ा आगे है चालू हो रहा है। अब क्या हुआ, ये चले
और इसमें स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? ए की। ए की स्पीड ज्यादा है, तो जब ए की स्पीड ज्यादा होगी तो गैप बढ़ेगा, उल्टा इनके बीच का जो गैप है, जो गैप है ये इंक्रीज होगा। बताओ क्यों, गैप इंक्रीज क्यों होगा? सर ए अपनी स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा, बी उसे कैच नहीं कर पाएगा। ए ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा तो उल्टा ये भाग जाएगा, बी इतना स्लो ही रहेगा, पीछे ही रह जाएगा काफी ज्यादा। ए यहाँ भाग गया और बी तो पीछे ही रह गया, बिल्कुल पीछे पीछे रह गया, कुछ स्पीड से आ ही नहीं पा रहा, बी पीछे रह गया समझे, तो इनका गैप बढ़ता ही जाएगा उल्टा। देखो गैप बढ़ रहा है ना, ये गैप। अच्छा ये होता है ना, ये किस चीज को शो कर रहा है? थर्ड ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। बोलो सर, दोनों की स्पीड सेम है बट दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग है। शाबाश बच्चे, जैसे ये ए और बी है, मान ए जो है ओरिजिन से चालू हो रहा है सर, पर बी तो ज्यादा उठी हुई है ना? नहीं अच्छी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है ठीक है, और ये ए बी है, ये तो ओरिजिन से चालू हो रहा है, बट इनके बीच का गैप हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम स्पीड से चल रहे हैं, अगर तो बॉडी सेम स्पीड से चलती रहेंगी तो इनके बीच का गैप ना कम होगा ना, ना ही कम होगा, ना ही बढ़ेगा। टाइम के साथ हमेशा उनके बीच का गैप उतना ही मेंटेन रहेगा, उतनी दूरी रहेगी उनके बीच में। ठीक है अच्छा समझ गए? चलो अब भाई क्वेश्चन करो, क्वेश्चन चालू, क्वेश्चन सेशन है आज तो मेनली, तो क्वेश्चन हम आपको देंगे, क्वेश्चन करना चालू करो। ये अच्छा एनसीईआरटी खोलो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 3.2 की 3.1 3.2 नहीं आएगा यार। आप, मेरे पास नहीं है। फोन में नहीं है अच्छी, फोन वन में नहीं रखती हो? तो फोन में है पर फोन अभी है नहीं मेरे पास। तो किससे देख रही हो क्लास? सर लैपटॉप से। अच्छा ये देखो अच्छी, ये क्वेश्चन है पढ़ लो, पहले लिख देख लो सब, उसके नीचे कर देते हैं। बहुत गैप है इसमें यार, और अभी ठीक तो दिख रहा था बिल्कुल, सारा थोड़ी आएगा। अच्छी देखो नीचे है, थ्री कहाँ सारा आ रहा है? अच्छा ग्राफ भी है नीचे। हाँ ना ग्राफ है अच्छी, ये तो चक्कर है। सर एक सेकंड में पढ़ लूँ, ऑटोमेटिक अपना भर रहा है तो। चलो ये पहले छोटा कर दो ना, साइज छोटा कर दो ना, पैसा भर रहे हैं। ओके यार दोबारा से उतना इकट्ठा हो गया होगा अब तक तो। कितना छोटा हो गया? तो तुमने पैसे कमल को दिए थे, ब्याज वालों को पैसे दिए थे, कमल लोग आके रख लिए होंगे। अरे अच्छी, पीछे से बंद कर दो। मेरे पीछे से नहीं आ रही, अलोरिका के पीछे से आ रही है। अलोरिका के पीछे से आ रही है? अच्छा अलोरिका अच्छी बंद कर दो, घर की आवाजें आ रही है। इधर देखो लो, अच्छो अब तो कर सकते हो। यस सर। करो भाई 3.2 क्वेश्चन करो। होगा, सो रहे हो क्या बच्चों? क्वेश्चन कर रहे हैं, सो रहे हो? सर आ रहा है।
करें? हो गया अच्छो? हो गया? सर एक मिनट, मेरा बस एक पार्ट बचा है। हो गया अच्छो? यस सर। चलो डिस्कस करें। यस सर। पूछा है ये ए स्लैश बी, समझ में आ रहा है आपको क्या है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है बताओ सर? वही ना कि यार मतलब दोनों से चूज कर रहा है कि ए बी से क्लोजर स्कूल के रहता है कि बी ए से क्लोजर रहता है। देखते हैं, पहले दिया है कि ए और बी में से कौन क्लोजर रह रहा है स्कूल से, बताओ बताओ बच्चों। कैसे सर? ओ स्कूल है। पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ए का होम कहाँ है? पी पे। और 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 दूसरे का होम, बी का होम क्या है? क्यू पे। क्यू पे कौन स्कूल से ज्यादा पास रहता है? ए या बी? ए। अच्छा भाई बच्चे, ए ए कितनी दूरी पे रहता है? कितनी दूरी पे रहता है? ओपी। और ये कितनी दूरी पे रहता है? क्यू पे रहता है। ए ए क्लोज है, इसका क्या हुआ? ए क्लोजर है देन बी। सेकंड क्या होगा? कौन अर्लियर चलेगा बताओ? सर सर ए ए ए पहले चल रहा है, बी इतने टाइम बाद रुक के चल रहा है, आराम से चल रहा है। देखो इतने टाइम, इतने टाइम रिलैक्स किया उसने। सी का क्या होगा? बी फास्टर देन ए। कौन फास्टर है? बी ए देन बी? बी 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 बताओ क्यों? सर बी ने लेट स्टार्ट किया, फिर भी पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करा कम टाइम में। अरे बच्चों सब छोड़ो, स्लोप देखो, स्लोप किसका स्लोप ज्यादा है, किसकी लाइन ज्यादा स्लैंटेड है? खड़ी हुई लाइन कौन सी है इनमें से, ए या बी? बी। बी है तो बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी है, आंसर बी होगा। ठीक है, डी डी बताओ। यस सर। डी डी का आंसर क्या होगा? सर ए एंड बी रीच होम एट डिफरेंट टाइम। सेम डिफरेंट टाइम पे आएंगे, कैसे बताओ? ए किस टाइम पे पहुंच रहा है और ए किस टाइम पे आ रहा है? सर ए, सर ए का स्लोप कम है तो स्पीड भी कम है, तो मतलब टाइम भी कम होगा। बी की स्पीड ज्यादा है तो टाइम नहीं, नहीं अच्छा टाइम वाला है ना, कम होगा टाइम। इस पे तो डिपेंड करता है कब निकल रहा है। देखो बी तो बहुत लेट निकल रहा है, टाइम ये मत इस पे मत सोचो टाइम क्या है। मान लो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है आपने? Yes, अगर खरगोश बैठा ही रहे बैठा ही रहे बैठा ही रहे, उसकी स्पीड ज्यादा भी, वो निकले ही ना तो कम टाइम में पहुंच जाएगा। ओवरऑल टाइम अलग होता है। अच्छा वैसे आप मेरे को लग रहा है उसकी बात कर रहे हो कि कितने टाइम पहुंचा है। दो टाइम होते हैं, एक होता है ओवरऑल टाइम और एक होता है वैसा टाइम। कि जैसे खरगोश वैसे तो जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा, बट अगर वो चले ही ना तो उसको ओवरऑल टाइम ज्यादा लगेगा, समझे? ठीक है। ई क्या हुआ? ई ई पॉइंट क्या हुआ? कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? अभी की स्पीड ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी ऑब्वियसली बात है ओवरटेक कर लेगा, समझे बच्चे? और सर वंस ए की बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर टाइम डिफरेंट था ना? हाँ चिट नेक्स्ट। थ्री पॉइंट वन बताओ अच्छे। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले बताओ, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? सर जब जब किसी ऑब्जेक्ट का जो
साइज है उसकी स्पीड मतलब यह मास से ज्यादा होती है। अच्छा जब ट्रेन होती है, हम कहते हैं ट्रेन ऐसे जा रही है 200 किलोमीटर चल गई, क्या ट्रेन पॉइंट होती है? इतनी छोटी सी होती है, पॉइंट होती है? नहीं होती ना ट्रेन पॉइंट। जब बॉडी का जो मोशन स्पीड से कंपैरेटिवली ज्यादा हो, जहां बॉडी का मोशन जो है और बॉडी की डायमेंशन कंपेयर की जाए तो मोशन ज्यादा बड़ा होता है डायमेंशन से, ऐसे में बॉडी को पॉइंट साइज मान सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहां बॉडी का मोशन काफी बड़ा हो 500 से 1000 किलोमीटर और बॉडी का साइज कंपैरेटिवली बहुत कम हो, बॉडी को पॉइंट साइज मान सकते हैं। समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा अब बताओ ये 3.1 क्या है? सॉरी बताओ क्या क्या होंगे, यस क्या से आएगा पहले बताओ। चलो ये होमवर्क है, एक काम करो होमवर्क है, बैक से चेक कर लेना अगर आपको जो भी डाउट हो, आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, इससे इम्पोर्टेंट नहीं होता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी है सही है, ये भी सही है, ये सही है। चलो 3.10 ट्राई करो। बोलो 3.10 क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, बताओ। बोलो भाई कोई है? तो डायरेक्शन नीचे की तरफ ही तो होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन अपवर्ड मोशन? भाई मोशन चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही लगनी है। ठीक है, अच्छे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा एक्सेलरेशन, अर्थ की एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी। ठीक है, अच्छे ज्ञात सही है, वेरी गुड बच्चे। और बताओ सर। जीरो, वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छे। एलोरिका मैसेज में आंसर दे रही है, अच्छा मैं पढ़ा नहीं था। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ मोशन? ठीक है, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, वही होता है भाई, वही सेम रहेगा, 9.8 सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चूज द एक्स C और D से देखो, अच्छे पढ़ो अच्छे से। ये क्या है C? C समझ में आ रहा है? अच्छा C समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बताओ क्या है? अरे भाई C क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कोई बच्चा बताएगा? अरे एक सेकंड, पढ़ लो। बताओ भाई, हुआ सी? बोल ही नहीं रहा है, कैसे बच्चे? नहीं सर। किसी को समझ में आया? चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, हमारे छात्रों की तो बस की नहीं है लग रहा है। देखो ये कह रहा है, अच्छा अगर हाँ बोलो। नहीं सर आप ही बताओ। ये कह रहा है कि आमतौर पे हम क्या मानते हैं, जैसे एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, ऐसे ऊपर गई,
ये बॉल नीचे आई, अब ये मोशन हुआ, और ये क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट हुआ, इसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, अब इसे कह रहे हैं ये ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये ओरिजिन हो गया, हाईएस्ट पॉइंट ही ओरिजिन है। समझे नहीं समझे बोलो बच्चों, ये हाईएस्ट पॉइंट ओरिजिन है। अब ये बॉडी जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, ये ओरिजिन है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, समझ रहे हो? ये बॉडी नीचे आ रही है, इसको ओरिजिन मान लिया गया। हेलो, अब पूछ रहा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट को ओरिजिन माना है। हाँ अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया। दिखा रहे, पढ़ो एक बार ढंग से पढ़ो। चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इज इक्वल टू 0 टू बी लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को ही आपने पॉइंट ऑफ स्टडी मान लिया। बॉडी के जब एक किसी भी बॉडी को नीचे से आप ऊपर फेंकते हो, फिर वो बॉडी ऊपर से नीचे आती है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे थी आपने उसको ओरिजिन मान लिया। अब ये कह रहा है कि बॉडी जब नीचे आएगी, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगी, नीचे आएगी कहाँ से कहाँ आएगी, जैसे जैसे मान लो लेटेस्ट एक बॉडी आएगी ऊपर से नीचे ऐसे, देख रहे हो अच्छा नीचे आ रही है ना बॉडी, देख रहे हो नीचे आएगी। अब सुनो बच्चों, हेलो, अब क्या है साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे, पोजीशन की, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, बताओ, बोलो भाई। सर पोजीशन, सर पोजीशन कब की, जब ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है। पढ़ो एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पता ही लिखा है ना, पूरा क्वेश्चन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो अनन्या, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और बताओ बच्चों ढंग से, फिर बताओ स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, फिर बात करते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन, डिस्कस करें, बताओ क्या है आपके हिसाब से, क्या समझ में आया आपको? सर वही ना, मतलब अभी जो आपने बताया। देखो अच्छा, फिर इसने ये भी कहा कि उसको ओरिजिन मान लो और एक और चीज माननी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। ये पढ़ा आपने, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? आमतौर पर हम क्या मानते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम क्या इसे मानते हैं, मतलब हम बेसिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं। ठीक है अच्छे, समझे नहीं समझे? हम उल्टा मानते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, उल्टा कह रहा है। ठीक है, अब जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या लूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट डाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या लिखूँ मैं, बताओ? बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो बोलो भाई, बोलो तो बच्चे, समझा या नहीं समझा? जैसे मान लो बॉडी ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ रही है, सर आपकी आवाज रुक के रिवर्ब हो रही है, रुक रुक के आ रही है, अब सही आएगी, अच्छी आ रही है? यस सर। अब जैसे बॉडी ऊपर गई, ऊपर से नीचे आएगी, तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो साइन साइन क्या यूज करेंगे हम, मतलब वेलोसिटी का साइन क्या लेंगे, वेलोसिटी को क्या लेंगे, बोलो आप बताओ चैनने, क्या लेंगे बोलो जल्दी बोलो, पॉजिटिव velocity positive लेंगे, क्यों बताओ? जो body में क्योंकि उसने question में कहा ना कि vertically downward को positive मान लो, acceleration को, चलो velocity positive, acceleration क्या लेंगे? सर वो भी, वो तो positive ही रहेगी क्योंकि नीचे ही खींचता है। displacement क्या लेंगे? सर displacement positive, positive होगी वो भी, तीनों ही positive होंगे क्योंकि तीनों नीचे है ना, रेफरेंस पॉइंट से तीनों नीचे है, तीनों ही चीज को पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि हमने उल्टा किया है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। चलो डी आप लोगों का होमवर्क है, 3.1 का डी लिख लो, कॉपी में लिख लो बच्चों। हाँ, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो डाउनलोड कर लेना बच्चों, फोन वोन पे लिख लेना। चलो ये पढ़ो 3.10।
11 बताओ ये कोई बच्चा एक पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में है क्या ए ट्रू है या फॉल्स है हो सकता है पॉसिबल है नहीं बोलो बोलो भाई बोलो अरे यार कैसे बच्चे हैं यार कुछ बोलते ही नहीं क्या सर वन डायमेंशनल में आगे पीछे दोनों सर पॉसिबल है कैसे बताओ किस केस में पॉसिबल है ये कह रहा है कि कोई टाइम ऐसा हो जब एक्सेलरेशन कब स्पीड जीरो हो बट एक्सेलेरेशन जीरो ना हो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे उस टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बट उस पे अर्थ का एक्सेलेरेशन लग रहा होता है समझे नहीं समझे कभी भी आपसे पूछ लें क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो बट उस पे एक्सेलेरेशन हो तो आप क्या कहोगे हाँ या नहीं बोलो कब हो सकता है कब हो सकता है और ये हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉडी हो तो हो सकता है ठीक है और बी वाला बताओ ट्रू या फॉल्स पॉसिबल नॉट पॉसिबल ये फॉल्स होगा सर एक्सप्लेनेशन दो एक्सप्लेनेशन सिर्फ बताने से कुछ नहीं चलेगा स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो ही हो जाएगी देखो अच्छे चक्कर क्या होता है वेलोसिटी इज कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड कह सकते हैं अरे अगर स्पीड जीरो है तो उसे तो बस डायरेक्शन ही बची ना स्पीड अगर जीरो है तो डायरेक्शन बची और बिना स्पीड के डायरेक्शन तो होगी ही नहीं ना तो फिर वेलोसिटी भी जीरो होगी नहीं तो ये पॉसिबल नहीं सी बताओ ट्रू है तो सर फॉल्स डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं सी ट्रू या फॉल्स पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल है स्टेटमेंट सही है गलत है या कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कह रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड हो तो एक्सेलेरेशन नहीं होती है सर अगर सर्कुलर मोशन हो तो शाबाश बच्चे वेरी गुड सर्कुलर मोशन के इसको फेल कर देता है स्टेटमेंट को ये फॉल्स स्टेटमेंट है सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है जैसे यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है 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 हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है बट एक्सेलेरेशन तो है ना क्यों एक्सेलेरेशन कैसे है बताओ बच्चे एक्सेलेरेशन कैसे है बोलो डायरेक्शन चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है देखो 9th class तक भी पढ़ते थे कि अगर स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलेरेशन होती है बट 9th class के अलावा 11th class में पढ़ते हैं स्पीड चेंज हो ना हो स्पीड और डायरेक्शन में से कोई सी भी चीज चेंज हो तो एक्सेलेरेशन होती है समझे या नहीं बोलो बोलो भाई बोलो बोलो क्यों क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन होगा ठीक है तो ये फॉल्स हो जाता है सर्कुलर मोशन इसको फॉल्स कर देता है डी पॉइंट क्या है बताओ डी पॉइंट ट्रू है फॉल्स अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो इसका स्पीड स्पीड अप होगी ही होगी या क्या बोलो आप ट्रू और कोई बच्चा और सही पूरा एक्सप्लेनेशन लेना सर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो सकता है ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी एक्चुअली ये फॉल्स है बताता हूँ उसका कारण क्या है ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है रिटार्डेशन में भी तो बढ़ती है ना देखो अच्छी देखो एक्सेलेरेशन देखो ये हमने कन्वेंशन ले ली मान लो ये एक्सेलेरेशन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ठीक है अगर मान लो एक बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है
उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई वो पॉजिटिव लेंगे। अगर बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे। बोलो भाई यार कुछ बोलता क्यों नहीं है? नेगेटिव लेंगे। बट मान लो उस पर एक्सेलेरेशन राइट साइड लग रही है, उस पर फोर्स कोई फोर्स पीछे से लगा रहा है, खींच रहा है उसको यहाँ, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई? पॉजिटिव हुई। ठीक है, क्या स्पीड बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ी रही है और वो उस तरफ बढ़ते ही जा रहा है। स्पीड बढ़ रही है घट रही है? ओ अच्छा, सब बढ़ रही है। नहीं बच्ची, अरे यार आप समझ नहीं रहे, बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है उस पे फोर्स, अच्छा ठीक है राइट साइड लग रहा है, राइट साइड उस पे फोर्स लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। एक चीज रूल ध्यान रखना, जो अभी मैं एक रूल लिखवा रहा हूँ ढंग से ध्यान रखना, स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरह ना, देखो बच्चे स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, चाहे दोनों पॉजिटिव में हो, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, चाहे दोनों नेगेटिव में हो, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है बट दोनों सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर दोनों अपोजिट होते हैं, जैसे ये केस है, ये वाला केस है कि वेलोसिटी लेफ्ट साइड है एक्सेलरेशन राइट साइड, मतलब एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा रिटार्डेशन कहलाएगा बेसिकली। अब यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, यहाँ स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। समझे नहीं समझे? अब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो अच्छी बात है, बट वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो, अगर वेलोसिटी ही नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे और स्पीड घटेगी। बट आमतौर पर बच्चों के दिमाग में क्या आता है मैं बताता हूँ, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब उनको लगता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। समझे बच्चों? Yes, sir. तो सेम डायरेक्शन का परसेप्शन उनके दिमाग में रहता है, तो हर बच्चा ये कहता है हाँ सर बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए। यार एक्चुअली क्या है, यहाँ कन्वेंशन का खेल है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स का खेल नहीं है। कन्वेंशंस में ये होता है कि जैसे आपको फिगर दिखाई हुई है तो वेलोसिटी नेगेटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, स्पीड उल्टा क्या होगी? घट जाएगी। समझे इस बात को? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ऐसे ही फर्जी फर्जी क्वेश्चन बड़े पड़े हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है 3.24। सर अभी क्लास और आप अभी थोड़ी देर और तक चलेगी आज क्लास? नहीं नहीं अच्छी, अपने टाइम पे खत्म हो जाएगी, ये मैंने क्लास अभी कन्वेयर बेल्ट वाला क्लास में करा दिया था, हो गया ये। ठीक है, चलो अच्छा 3.26 करो बताओ।